अस्त्रा। युद्धभूमि पर अर्जुन ने कहा, सीदन्ति मम गात्राणि मुखाय च परिशुष्यति वेपतुष्य शरीरे मे गोमहर्षश्च जायते। सभी अपने लोगों के साथ युद्ध करना है, ये देखकर अर्जुन के हाथ से युद्ध का जो सामग्री था, जो धनुष था, वो भी गिर गया और वो कृष्ण के शरण में गया। क्योंकि अर्जुन ये समझ रहा था कि ये जो मेरे लोग हैं, मतलब ये वृत्तियां हैं मेरे आजूबाजू में, उनके साथ मुझे लड़ना है। उसी के साथ साथ ये सभी वृत्तियां, ये दुष्ट प्रवृत्तियां मेरे अंदर भी है, उसके साथ मुझे सबसे पहले झगड़ना है। और इसी की वजह से उसे लग रहा था कि ये युद्ध करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और ऐसी जागृति अर्जुन में थी, इसीलिए कृष्ण ने इसी वृक्ष के नीचे अर्जुन को अपना शिष्य बनाया और गीता उसे सुनाई पहली बार। मैं भी चाहती हूँ कि हम सब लोग अर्जुन के जैसे बने।